कि हिंदुस्तान की दुश्मन है मुसलमान, एक तरफ जवाहरलाल नेहरू, दूसरी तरफ मौलाना अबुल कलाम आजाद, कि हिंदुस्तान की दुश्मन है हमारे अन्नदाता किसान। इतना अहंकार क्यों आपको? हमारे किसान की ये दुर्दशा, ये बर्बादी हमें सहन नहीं होता, इसलिए सदन में आके हम चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, गुहार लगाते हैं कि कम से कम किसानों की मुद्दा अलग से चर्चा किया जाए, वो भी हम नहीं सुनते। आप ये खतरा मंडरा रहा है, हरियाणा गया, पंजाब तो गई, यूपी भी जाली की कगार में पहुंच गए, तो ये खतरा मंडरा रहे हैं आपके ऊपर कि संभाल जाओ, ये बीजेपी वालों किसानों के खिलाफ जंग मत छेड़ो के लिए और लाल किले में पहुंचा दिया। आपने ये काम किया कि साथ में है, लेकिन लद्दाख से चीनी फौज को धक्का मार के गर्दन पकड़ के निकालना चाहिए, ये हमारा मांग है। हम आरएसएस की बड़ी नेता बहुत सारे हैं यहाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी है, हमारे गृह मंत्री जी भी है। मादुरा हिंदू महासभा की जो सेशन हुई थी और भागलपुर हिंदू महासभा की जो सेशन हुई थी 1940 और 41 में, उसमें सावरकर की क्या वक्तव्य थी, उनका जो लेक्चर दिया था, अगर उसको आप पढ़ने का कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सावरकर जी जब ब्रिटिश हुकूमत सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बड़े दिक्कत में फंसे गए थे, तो ब्रिटिश हुकूमत को मदद करने के लिए सावरकर बार बार गुहार लगाते थे कि सारे हिंदू भाइयों, हिंदू युवकों, आप सब ब्रिटिश को मदद करने के लिए फौज बनाओ और ब्रिटिश को मदद करो, क्योंकि ब्रिटिश को मदद करना इस समय की जरूरत है। मैं नहीं, सावरकर। अब देख लीजिए सकते, मैं मादुरा हिंदू महासभा की सेशन की बात जिक्र किया 1940 और भागलपुर हिंदू महासभा भी जिक्र किया। अब देख सकते हैं, बोलना ये चाहते हैं कि नेताजी को अब आपको जरूरत पड़ रहे हैं, क्योंकि चुनाव आए हैं, बंगाल जाने पड़ता है, बंगाल में नेताजी का ज्यादा पूजा होते हैं, श्रद्धा होते हैं, आप इसको इस्तेमाल करके चुनावी फायदा लेना चाहते ही, और क्या। अरे सुनते जाओ। तो बात यह है कि मैंने कहा ना कि आपके बीच कोई नेशनलिस्ट, नेशनल आइकॉन नहीं है, ये समस्या है आपका। आप इसलिए भटकते हैं, कहीं अगर कुछ मिल जाते हैं तो आप तुरंत पकड़ के उससे फायदा लेना चाहते हैं। आप इतने लोगों को नाम कर रहे हैं हिंदुस्तान की, कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में एक लफ्ज नहीं निकालते हैं आपकी जवान से, क्यों ऐसा छोटापन है आपका? मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को जिज्ञेस करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू जी की समय में हिंदुस्तान में क्या आत्मनिर्भर भारत की सूचना नहीं हुई? आप बताइए, अगर आप निष्पक्ष हो तो जरूर आप ये समर्थन करेंगे मेरे बात, लेकिन आप इधर उधर सबकी बात करेंगे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी की बात कभी नहीं करेंगे, इंदिरा जी की बात कभी नहीं करेंगे, ये छोटापन है आपका। देखिए, हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में अगर इतिहास के पन्ने को हम खुलने का कोशिश करें, एक तरफ हमारे फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फर खान है, दूसरी तरफ सब आपको मंत्री पद मिलेगा आपको। आजादी की समय आप छवि देखिए, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री देखिएगा, एक तरफ फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फर खान, दूसरी तरफ हमारा जाति का पिता महात्मा गांधी, यही छवि है। एक तरफ जवाहरलाल नेहरू, दूसरी तरफ मौलाना अबुल कलाम आजाद, एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दूसरी तरफ खान शाहनवाज खान आबिद हसन। कभी इनको जिक्र किया है आपने? नेताजी के नाम के साथ साथ आबिद हसन के नाम की जिक्र करना पड़ेगा, नेताजी के नाम के साथ साथ खान शाहनवाज खान के नाम को जिक्र करना पड़ेगा। हमारे खान अब्दुल गफ्फर खान साहब अपनी 95 ईयर्स उनका आयु थी, 95 ईयर्स आयु में
45 साल उन्होंने जेल की जिंदगी गुजारने पड़ी। अभी जाके बंगाल में आप नेताजी की वाहवाह कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बड़ा खुशी हुई हम लोग। अब उधार लीजिए, लेकिन उधार लेने के बाद अपने में वो संभाल लीजिए। आप बंगाल में जाकर नेताजी के नाम पे एक डॉक था, नेताजी डॉक, नाम बदल दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डॉक लगा दिया, अच्छा किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए आपको सम्मान देना जरूरी है, ठीक किया, लेकिन दूसरा किसी को कर सकते? क्या नेताजी डॉक को हटाने का क्या जरूरत था? आप बताइए, यह छोटापन नहीं है क्या? आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने प्लानिंग कमीशन की जन्म दिया था वो हटा दिया, तो मतलब एक के बाद एक उन्होंने जो प्रतिष्ठान की जन्म दिया था एक के बाद एक प्रतिष्ठान को आप खत्म कर रहे हैं और दूसरी तरफ चुनाव के मद्देनजर इन्हों को आप बाह-बाह कर रहे हैं। यही हमारा आपसे सवाल है। आपका गृहमंत्री जी, आपका पार्टी की प्रेसिडेंट साहब बंगाल जाते, हमारा गृहमंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, एक बार नहीं 100 बार कहूंगा, ये सरकार हम सबका है। हम ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी पार्टी के नेता अमित शाह जी, बीजेपी पार्टी के नेता नड्डा साहब चुनाव आए हैं, बंगाल जा रहे हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर की शांतिनिकेतन में जा रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ उनका जन्म हुई। अरे अजीब बात है, पहले तो पढ़ के जाइए कि कहाँ उनका जन्म हुई या नहीं, आप अचानक कह रहे हैं कि शांतिनिकेतन में जन्म हुई है। लोग हंस रहे हैं, हमें बुरा लगता है कि कम से कम आप इतने बड़े पार्टी की एक सभापति होते हैं, हमारे अमित शाह जी जाकर प्रधान ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर की जो चेयर थी उसमें जाके बैठ जाते हैं, लोग आपको क्या कहते हैं पता नहीं, आप जाके बैठ जाते हैं, ये असम्मान होती है। मैं ये कह रहा हूं कि आप इसके बच के चलिए, आप जहां जाइए वहां की जो संस्कृति है, वहां का जो कल्चर है उस पर, और वहां का जो इतिहास है उस पर थोड़ा गौर करके आप जाइए, एक बार नहीं 100 बार जाइए, 1000 बार जाइए, क्योंकि सारे देश जहां भी आपको मर्जी आप जा सकते, जहां भी आपको मर्जी आप चुनाव प्रचार कर सकते, लेकिन कहीं कहीं स्टेट में सूबे में अलग अलग किस्म के कृष्टि होते हैं, सृष्टि होते हैं, संस्कृति होते हैं, इसको थोड़ा गौर करना चाहिए, ध्यान रखें। हिंदुस्तान में एक माहौल पैदा किया जा रहे हैं कि हिंदुस्तान की दुश्मन है मुसलमान, धीरे धीरे उसके साथ हिंदुस्तान में और एक माहौल पैदा किया जा रहे हैं कि हिंदुस्तान की दुश्मन है हमारे अन्नदाता किसान, एक तरफ मुसलमान और एक तरफ किसान, दोनों को खिलाफ आप लोग जंग छेड़े हैं, यह तो सच्चाई है। अगर यह सच्चा नहीं होता तो हमारे दिल्ली की सीमा में यह नजारा हमें क्यों देखने पड़ता? यह क्या हमारे लिए क्या गर्व की विषय होते हैं? बात सुनिए, यह क्या हमारे लिए गर्व का विषय होते हैं कि जहां हमारा सदन है, जहां हिंदुस्तान की लोकतंत्र की सबसे बड़ा पंचायत होते हैं, यहां से 20-30 किलोमीटर दूरी में हिंदुस्तान की लाखों की तादाद में किसान आकर खुले आसमान तले महीनों भर अपना बात रखते हुए एक दुर्दशाग्रस्त एक जिंदगी गुजार रहे हैं। क्यों 200 से ज्यादा हमारे किसान को जान गंवाने पर क्यों, क्या हो गया? क्या हमारे प्रधानमंत्री जी ये दिल्ली में रहते हुए सारे हिंदुस्तान नहीं बल्कि सारे दुनिया के साथ आप वार्ता कर सकते हैं, लेकिन हमारे किसान के साथ आपको वार्ता करने का फुर्सत नहीं मिलता क्या? इतना अहंकार क्यों आपको? यह अहंकार किसी को आगे जाने में रुकावट पैदा करते हैं प्रधानमंत्री जी, अहंकार मानवता की क्षति करते हैं। आप लोहे की कील लगा दिया, आप कटीले तारों की बैरियर लगा दिया, आप बिजली पानी कट दिया, आप इंटरनेट बंद कर दिया, आप ट्रैक्टर घुसने ना पाए इसलिए नया नया कानून को अपना रहे हैं कि 10 साल की ज्यादा ट्रैक्टर नहीं घुसने देंगे। क्यों इस तरीके के अत्याचार हमारे किसान के खिलाफ क्यों कर रहे हैं? किसान आपके खिलाफ क्या किए हैं? हमारे किसान की ये दुर्दशा, ये बर्बादी हमें सहन नहीं होता, इसलिए सदन में आके हम चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, गुहार लगाते हैं कि कम से कम किसानों की मुद्दा अलग से चर्चा किया जाए। वो भी हम नहीं सुनते,
आपका बहुमत है, आपका बहुमत है, आप नहीं सुनोगे। बहुमत की बाहुबोली को बंद करो। ये बहुमत की बाहुबोली लोकतंत्र के लिए कोई शुभ चिन्ह नहीं होते हैं। ये बहुमतों की बाहुबोली बंद करो और किसान के साथ वार्ता करके आप किसान की मांग पूरा करो। सदन में सारे विपक्ष की ओर से और खासकर आपका पार्टी भी बहुत सारे एमपी की ओर से मैं ये गुजारिश करता हूं, आपके पार्टी के बहुत सारे एमपी है चुप्पी साधे बोलते नहीं, किसके खिलाफ बोलेंगे? बोलने से नौकरी जाएगी, टिकट जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगी। लेकिन सारे एमपी को यह सोचना चाहिए, सारे एमपी को यह सोचना चाहिए कि आपके लिए खतरा मंडरा रहा है। हरियाणा गया, पंजाब तो गई, यूपी भी जाली की कगार में पहुंच गए, तो ये खतरा मंडरा रहे हैं आपके ऊपर। तो इसलिए कहते हैं कि संभाल जाओ, ये बीजेपी वालों किसानों के खिलाफ जंग मत छेड़ो। किसान हमारा भाग्य विधाता है, किसान हमारा अन्नदाता है। अगर किसान ना होते तो हम आप तुम कोई ये सदन में आने का मौका नहीं मिलते। अरे इस तरीके की कार्रवाई किया जाता, किसान हमारा दुश्मन है? लाल किले पे किसी ने चढ़े थे, किसी ने अपमान किया? लाल किला हमारा एक पहचान है, हमारा एक धरोहर है। अगर अमित शाह जी जैसा इतना ताकतवर एक स्वराष्ट्र मंत्री रहते हुए कुछ उपद्रवियों ने कैसे ये लाल किले में पहुंचे, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये कि लाखों की तादाद में हमारे सुरक्षाकर्मी, और खासकर देखिए एक बात, सबसे बड़ा बात यह है, देखिए कि 26 जनवरी हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा सुरक्षा तैनात होते हैं, सबसे ज्यादा, आगे पीछे कोई नहीं। 26 जनवरी हमारे लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित दिवस होते हैं। हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी है, राफेल दिखाते थे, हमारे बहुत सारे और कुछ दिखाते थे, लेकिन कुछ उपद्रवियों ने उसी के बीच कैसे लाल किले पहुंच गए, इसका कोई तब्दीश नहीं होगी, इसका कोई पहचान नहीं होगी। आपको सारे दिल्ली में कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ड्रोन है, सैटेलाइट है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आज तक किसी को यह जानकारी नहीं है कि किसने हुआ गए, कैसे हुआ झंडा गड़ा, कैसे झंडा लगाया, किसी को कोई जानकारी नहीं है। क्यों? सबसे बड़ी बात यह है कि 26 जनवरी के पहले हमारे सुरक्षा बलों की तरफ से यह बयान आया था कि पाकिस्तान में कुछ हैंडलर ये गड़बड़ी करने का साजिश कर रहे हैं। जब आपके पास में इतने सारे जानकारियां है, पाकिस्तान में क्या हो रहे हैं उसका जानकारी आपके पास है, लेकिन यहां क्या हो रहा है उसके जानकारी आपके पास नहीं है। सच तो यह है कि आप खुद चाहते थे कुछ घटना घटे, क्योंकि आम लोगों को निगाहों के भटकाया जाए, यही तो बात है ना। यह आपकी सोची समझी सुनियोजित एक साजिश है। इस साजिश के चलते आप अपने लोगों को किसान सजाकर बनाकर ये झंडा गाड़ने के लिए और झंडा फहराने के लिए और लाल किले में पहुंचा दिया, आपने ये काम किया। अगर सही ढंग से तब्दीश हो तो पता चलेगा ये कोई नहीं, ये षड्यंत्रकारी कोई किसान नहीं, षड्यंत्रकारी सेफ और सेफ ये सरकार की नुमाइंदे है, सरकार इसके पीछे है। अगर नहीं, यह डिफेंस मिनिस्टर साहब भी है, मुझे पता है कि उनका कोई जानकारी नहीं रहते। आप तो कहते कि वो ड्रोन वॉरियर बना रहे हैं, तो ड्रोन वॉरियर जब एचएल बना रहे हैं तो हमारा राफेल क्यों बनाने सके है, ये भी आपको सवाल करता। किंतु क्योंकि राहुल जी हमारे नेता बराबर इसके लिए पक्ष रखते थे कि हमारे हिंदुस्तान में जो एचएल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, उनको राफेल बनाने की कुछ सुविधा दिया जाए। जब ड्रोन वॉरियर बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान में, तो राफेल की कुछ हिस्सा क्यों नहीं बना पाते, ये जरूर हम जानना चाहते हैं। और डिफेंस मिनिस्टर आप बताइए कि लद्दाख ले में हमारा हाल क्या है, आंखों देखा हाल बताइए।
हमारा अरुणाचल में क्या हो रहा है, सिक्किम में क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, प्रधानमंत्री जी कहते कोई नहीं घुसा, कोई नहीं घुसे हुए है, कोई कैंप नहीं कब्जे में आए हैं दुश्मनों की। लेकिन हजार स्क्वायर किलोमीटर की इलाका कब्जे में है। आप खुद कह रहे हैं कि स्टेटस को चाहते हैं, स्टेटस को आप चाहते हैं कि मतलब क्या है, स्टेटस को नहीं है, स्टेटस को नहीं है, इसलिए चाहते हैं कि यथास्थिति यथा पूर्व स्थिति हम चाहते हैं, ये आपका राय है। तो हम सदन को बताइए कि लद्दाख की हाल क्या है, हुआ हमारे स्थिति का, कब तक ये चीनी फौजों को धक्के मार के चीन देश में हम भेजेंगे, आपको बताना पड़ेगा। हम सारे आपके पक्ष में हैं, हम सारे हिंदुस्तान के वीर जवानों के साथ में हैं, लेकिन लद्दाख से चीनी फौज को धक्का मार के गर्दन पकड़ के निकालना चाहिए, यह हमारा मांग है। सर आजादी की, सर आजादी की कभी सामना आने देंगे, हमारे शहीदों की कुर्बानी को बदनाम ना होने देंगे, बची रहे जब तक एक बूंद लहू अपने रंगों में, भारत माता को आंचल को बदनाम नहीं होने देंगे। जय हिंद, धन्यवाद।